दोस्तों सेब की चमक देखकर ज़्यादा खुश मत हुई, ज़्यादातर यह चमक सेब पर वैक्स पॉलिश की वजह से दिखती है। इसकी जांच के लिए बस एक ब्लेड लीजिए और सेब को हल्के हल्के खुरचिए। अगर कुछ सफ़ेद पदार्थ निकले तो आपको बधाई, क्योंकि आप मोम खाने से बच गए। अगली बार चाय बनाने से पहले चाय पत्ती को ज़रूर जांचें। चाय पत्ती ठंडे पानी में डालने पर रंग छोड़े तो साफ है कि उसमें मिलावट है, या वह एक बार यूज हो चुकी है। मटर के दाने खरीदे हैं तो कुछ दाने पानी में डालकर हिलाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। अगर पानी रंगीन हो जाता है तो उसमें मेलाकाइट हरे की मिलावट है। ऐसी मिलावटी चीज़ों को खाने से पेट से संबंधित गंभीर बीमारियां, अल्सर, ट्यूमर आदि होने का खतरा रहता है। हल्दी में 4 बूंद खटाई और थोड़ा पानी मिलाने पर अगर हल्दी का रंग बैंगनी हो जाए तो हल्दी मिलावटी है। अगर आप हल्दी को पिसवाते हैं तो हल्दी की पहचान करने के लिए पेपर पर हल्दी को रखकर ठंडा पानी मिलाएं। अगर रंग अलग हो जाए तो हल्दी पॉलिश की हुई है। मसाले में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी में अमरूद की छाल मिलाई जाती है। इसे हाथ पर रगड़ कर देखें, अगर यह नकली होगी तो कोई कलर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो पे हमारी टीम से कोई डिस्कशन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।